हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम फार्माकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरलिपिडिन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। देखिए, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स या फिर आप जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे भले वो किसी स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर डिप्लोमा करने के बाद जो अभी फार्मा एग्जिट एग्जाम चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे गूगल प्ले स्टोर पर हमारे जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है फार्मा कंसेप्ट, उसको आज ही डाउनलोड करें। वहाँ पे हमने अलग अलग कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं बिल्कुल कम रेट में, तो वहाँ पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी की सारी अच्छी तैयारी हो सके, जिसमें हमारी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपरलिपिडिमिक ड्रग्स और उसका क्लासिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटी हाइपरलिपिडिमिक ड्रग्स किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी ड्रग्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करती है, लिपिड लेवल को कम करती है, वो आपकी हाइपोलिपिडिमिक ड्रग्स या फिर एंटी हाइपरलिपिडिमिक ड्रग्स कहलाती है। देखिए, दीज ड्रग्स प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये जनरली क्या करती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है उसको प्रिवेंट करती है बाय रिटार्डिंग द एसिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस इन हाइपरलिपिडिमिक इंडिविजुअल। देखिए होता क्या है, अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें, नॉर्मल आर्टरी की बात करें, तो वहाँ पे देखिए ब्लड फ्लो इस तरीके से आर्टरी के अंदर होता रहेगा कंटिन्यू, और फ्लो एकदम प्रॉपर तरीके से चलेगा, क्योंकि जो आर्टरी है उसकी चौड़ाई अंदर से है वो प्रॉपर है। अब देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर लिपिड का अगर डिपोजिशन वहाँ पे होने लग जाए, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लग जाए, तो वो जो आपकी आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, नेरो हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेक। यहाँ पे देखिए डायग्राम में बता रहे हैं आपको सामने कि आर्टरी नेरो हो गई है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक, तो इसको अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। और ये कारण क्या है इसका होने का, इसका कारण होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर डिपोजिट होने लगता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को अगर हमें कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोलिपिडिमिक ड्रग्स लेनी पड़ेगी। देखिए, हाइपोलिपिडिमिक और एंटी हाइपरलिपिडिमिक जो अभी हमने टॉपिक बोला था, ये दोनों ही सिनोनिम है। हाइपोलिपिडिमिक का मतलब है लिपिड के लेवल को कम करना, और एंटी हाइपरलिपिडिमिक का मतलब भी है कि अगर लिपिड का लेवल बढ़ गया है तो उसको वापस कम करना, ठीक है। देखिए, अब हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसमें देखिए HDL होता है, तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हमारी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो HDL जिसे हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है। जबकि LDL की बात करें, IDL की बात करें, VLDL की बात करें, देखिए LDL का मतलब क्या हो गया, चलिए बताइए, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है ना, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये तीनों ही हमारी बॉडी के लिए क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो इन तीनों की संख्या तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इन तीनों का लेवल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और HDL का लेवल अच्छा बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी के लिए ये बेनिफिट हो सके। अब देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स है जो कि लिपिड के लेवल को कम करती है। इसमें सबसे पहली फर्स्ट लाइन ड्रग हो गई वो है स्टेटिन्स, सेकेंड हो गया आपका बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, एंड थर्ड हो गया स्टीरोल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। ये तीनों ही आपकी लिपिड के लेवल को कम करने वाली ड्रग्स है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है। और उसके बाद में सेकेंड लाइन ड्रग्स में आती है आपकी फाइब्रेट्स एंड नियासिन, ठीक है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, चलिए। तो देखिए, क्लासिफिकेशन की बात करें तो ड्रग यूज टू लोअर द लेवल ऑफ लिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन इन ब्लड आर कॉल्ड एंटी हाइपरलिपिडिमिक ड्रग, और इसका क्लासिफिकेशन है सबसे पहला HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। पहली क्लास कौन सी हो गई, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। देखिए, अब आपको क्या करना है, HMG कोएंजाइम ए का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ये आप जरूर कीजिएगा, HMG कोएंजाइम ए का फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। साथ ही साथ आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप में से या आपके कोई भी फ्रेंड फार्मा एग्जिट एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम,
ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम और जीपीएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर आप खोलिएगा और वहां पे हमारा जो ऐप है जिसका नाम है फार्मा कंसेप्ट, अभी के अभी डाउनलोड कर दीजिएगा, जिससे कि आप भी वहां पे अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हमारे पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, इन सबको ज्वाइन कर सके जिससे कि आप भी एक सक्सेस वाली सीढ़ी पार कर सके। इन सभी की रेट बिल्कुल सबसे सस्ती है, साथ ही साथ इन सभी में जो आपको क्वालिटी मिलेगी कोर्स के अंदर, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली कोर्स आपको मटेरियल उसमें मिलेगा। तो चलिए एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स के एग्जांपल देखते थे हैं। जितने भी स्टेटिन से वो इसके अंदर आएंगे, जैसे कि लोवास्टेटिन, प्रवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन और पिटावास्टेटिन, जितने भी स्टेटिन से वो एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स के अंदर आते हैं। सेकेंड कैटेगरी रहती है इसमें बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, यानी कि जो भी रेजिन से वो इसके अंदर रहेंगे बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। देखिए एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस पुट अप होता है, तो इसका एग्जांपल रहेगा आपका कोलेस्टायरामीन, कोलेस्टिपोल, ये दोनों ही बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स, यानी लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करने वाली ड्रग्स, जिसे हम PPAR गामा एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, साथ ही साथ इनको हम फाइब्रेट्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर आपकी जो कैटेगरी में ड्रग आएगी वो है क्लोफाइब्रेट, गेम फाइब्रोजिल, बेजा फाइब्रेट एंड फिनोफाइब्रेट, ये सारी के सारी इसी कैटेगरी में आने वाली ड्रग्स है। नेक्स्ट है लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, इसका एग्जांपल डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो राइट एग्जांपल रहेगा दैट इज निकोटिनिक एसिड, ये आपका इसका एग्जाम्पल रहेगा। अब है नेक्स्ट कैटेगरी, वो है स्टीरोल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, जिसका आपके सामने एग्जाम्पल है एजेटिमाइड। देखिए आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से लर्न करना है, चाहे आप फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीपीएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी, ये क्लासिफिकेशन आपको कंप्लीट अच्छे से लर्न होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप होता है। देखिए इसके अलावा मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जीपीएट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम या फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लेकर आए हैं ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का कोर्स मात्र 1199 रुपए में, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और 3000 के आसपास सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और एमसीक्यूज मिलेंगे और नोट्स मिलेंगे, ये सारे 1199 रुपए में इंक्लूड रहेंगे। टारगेट जीपीएट 2024-25 के लिए हम भी एक बैच लेकर आए हैं, इसकी प्राइस भी हमने मात्र 1199 रुपये रखी है, अभी 40% डिस्काउंट के बाद में, इसमें भी सारी चीज़ें वहीं मिलेगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच हमने मात्र 720 रुपीज़ में रख रखा है, जिसमें आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई सा भी फार्मासिस्ट एग्जाम बैच हो, उन सब की प्रिपरेशन इसके अंदर रहेगी, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स और साथ ही साथ एमसीक्यूज इंक्लूड रहेंगे। फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए हम मात्र 599 रुपीज़ में बैच लेके आए हैं, तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। ये भी अगर आपके कोई भी मित्र अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में है और वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जरूर बताएं कि फार्मा एग्जिट एग्जाम का बैच मात्र 600 रुपये में घर बैठे आराम से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज रहेंगे उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा, यानी 1000 जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज है उनसे लगभग आपके 4,000 से 5,000 एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। इसके अलावा रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच, अगर आप ये बैच ज्वाइन नहीं करके खाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी की टेस्ट सीरीज हमने मात्र 180 रुपीज में निकाल रखी है। फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, जीपीएट एग्जाम, फार्मा एग्जिट एग्जाम और ओएससीसी फार्मासिस्ट एग्जाम की, तो आप इनको जरूर ज्वाइन करें, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी जरूर बताएं। तो आज की क्लास अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।